झामुमो के दिग्गज नेता लोबिन हैम्ब्रम ने चर्चित सीट राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोबिन हैम्ब्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। आपको बता दें, राजमहल से भाजपा और झामुमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान पहले ही कर दिया है। लोबिन हैम्ब्रम के निर्दलीय खड़ा होने से इंडी गठबंधन के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोबिन हैम्ब्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो पर कई आरोप लगाए। कहा कि भले ये लगता है कि वो बागी हो गए हैं, लेकिन वो बागी नहीं हुए हैं, बल्कि झामुमो अपने उद्देश्य से भटक गई है। लोबिन हैम्ब्रम ने झामुमो पर आरोप लगाया कि पार्टी जिस घोषणा पत्र के सहारे सत्ता में आई उसको भूल गई है। स्थानीयता, CNT समेत तमाम मुद्दों से वो भटक गई है। लोबिन हैम्ब्रम ने उम्मीद जताई कि वो राजमहल सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। तो भाई, जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता था, मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। और मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं। लेकिन भाई, ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हैम्ब्रम बागी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया, और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, SPT एक्ट, CNT एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था, और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया। और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया, और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए, तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था, और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से, एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हैम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और अस्थायी नीति,
नियोजन नीति, ई पैसा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट होकर बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। एजेंट हूँ मैं, बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमपी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ताक्षर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी ये अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया, आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज्य अलग हुआ है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी चाहे जो भी हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद।